नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 और 5 फरवरी के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 4 फरवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन पूर्व भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इन योग की बात करें तो शिव नाम का शुभ योग और सर्वार सिद्धि नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल के समय दिन सुबह के 11:18 से लेकर दोपहर के 12:40 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें और दोस्तों चंद्रमा दिन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, अगले दिन 5 फरवरी की बात करें तो दोस्तों ये दिन शनिवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, उत्तरा भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रहेगा। साथ ही सर्वार सिद्धि नाम के योग के उपरांत ही इस दिन श्राद्धी नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे और दोस्तों यह योग भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, खासकर आपके करियर के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए। दोस्तों, राहु कल के समय दिन सुबह के 9:55 से लेकर सुबह के 11:17 रहेगा और दोस्तों चंद्रमा दिन मीन राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यश में आप आत्मनिर्भर रहना पसंद कर सकते हैं, आप एक अच्छे सलाहकार और योजनाकार हैं। आपका विनोदी जो स्वभाव लोगों को आकर्षित करने में यश में सहायक बन सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको पदोन्नति मिल सकता है, सामाजिक क्षेत्र में भी आपका प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, यश में नेगेटिव को लेकर बात करें तो संतान को लेकर भी कुछ चिंताएं यश में संभव है, अतः कोशिश करें कि आपके भीतर अहंकार युक्त भावनाएं न पनपने पाए। दोस्तों, गुरुजनों और माता पिता से संबंधों को और बेहतर बनाने की यश में आप कोशिश करें। कोशिश करने से आप विपरीत परिस्थितियों से उभर कर पारिवारिक सामंजस्य बनाने में यश में आप कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए अपने फोकस को बढ़ाने का समय रहेगा। दोस्तों, आप अपने लिए अभी तक जो नहीं कर पा रहे थे उसके लिए फिर से प्रयास शुरू करने का समय होगा। अगर आप अपने लिए कोई लक्ष्य तय किए हैं तो दोस्तों यश में लक्ष्य को जानने का समय रहेगा। यश में आप प्रयास कर सकते हैं और उसकी ओर आप अग्रसर भी हों। यदि आकर्षित रूप से स्थिति अनुकूल नहीं है तो वह जल्द ही सामान्य हो जाएगा, अपने आप पर भरोसा रखें। वही दोस्तों, इन दिनों अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने लिए दोस्तों कोई नया योजना पर आप काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस के लिए ये दिन सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, यश में कुछ व्यावसायिक और अनुभवी व्यक्तियों के मिलने से आप अपनी कार्यशैली में सुधार भी कर पाएंगे। कुछ परेशानियाँ यश में आ तो सकती है लेकिन आप अपने काम को पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों आप यश में बीच बीच में काम में समय निकालकर अपने प्रियतम को भी समय दें, अपने प्यार भरी बातें करें और दोस्तों उन्हें चाहें तो कोई अच्छा सा तोहफा भी यश में दे सकते हैं, ताकि दोस्तों उन्हें इस बात का एहसास न हो कि आप उनसे दूर हैं या फिर आपका जो प्यार है उनके लिए कम हो गया है। दोस्तों, यश में वैवाहिक संबंधों में प्रेम और समर्पण रहेगा, आपके लिए समय अनुकूल ही रहेगा। वही दोस्तों, हेल्थ को लेकर अगर बात करें तो यश में जोड़ों में दर्द से आपको परेशानी रह सकती है, इसको लेकर आप सावधान रहें। यदि आपको थोड़ी सी भी कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नज़र आए तो दोस्तों तुरंत योग्य चिकित्सक से जांच करवाएं, जरा सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में यश में डाल सकता है। दोस्तों, यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गुलाबी और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। दोस्तों, यश में गणेश जी बताते हैं कि ये समय
आपके लिए बहुत लाभदायक होने की आपकी पैतृक संपत्ति में आपका हिस्सा मिल सकता है। गणेश जी का सलाह है कि इस लाभ में चूक न जाएं और विनम्रता से उसका आप आनंद उठाएं। वही दोस्तों यश में आपकी धन की स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में अपना ऑर्गेनाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं। वे पार्टनर, कर्मचारी या फिर शुभचिंतक भी हो सकते हैं। दफ्तर में आप जो भी काम करेंगे वो आपको संतुष्टि देगा। गणेश जी की सलाह है कि यश में प्राथमिकताओं को हल करें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में काम करें। दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों यश में किसी खास व्यक्ति के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए शाम का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपकी भावनाओं तक गहराई और कामुकता आपके पीर को खुश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों गणेश जी को लगता है कि ये आपके लिए आरामदायक शाम होगा दोस्तों, और जिसमें आप हर पल का आनंद लेंगे। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो यदि आप अपने मन का अनुसरण करते हैं तो दोस्तों यश में आप भ्रमित भी हो सकते हैं। गणेश जी आपको सलाह देते हैं कि आप अपने अंतर्ज्ञान और अपनी भावनाओं के अनुसार काम करें। दोस्तों खासकर वित्तीय मामलों में जिस पर आपको त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है। दोस्तों यश में चुकी यात्रा के लिहाज से आप कुछ कमज़ोर हैं, इसलिए लंबी यात्राओं से यश में बचने की कोशिश करें। दोस्तों यश में निवेश के जो नए अवसर आपकी ओर आए हैं उन पर विचार करें, लेकिन दोस्तों धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं का भलीभांति अध्ययन कर लें। दोस्तों यश में दिन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर प्रकार का प्रयास करेगा। दोस्तों आपका संगी आपका भला सोचता है, इसलिए कई बार आप पर गुस्सा भी कर बैठता है। दोस्तों उसके गुस्से पर आप नाराज न हो। दोस्तों यश में उनकी बातों को समझें। कामकाज के मोर्चे पर आपको सबसे स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। वक्त पर चलने के साथ साथ आपको वक्त भी देना आवश्यक है। दोस्तों यह बात आप समझेंगे लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा, लेकिन दोस्तों सेहत गड़बड़ भी हो सकती है। दोस्तों यश में आप बहते जल में श्रीफल यानी नारियल प्रवाहित करने से आपका जो है स्वास्थ्य यश में अच्छा रहेगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें, यदि आपको ऐसा आशंका लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है और वह आपको मारना भी चाह सकता है या फिर मारना भी चाह रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो दोस्तों यश में आपको यश में कौन से उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप पीपल के अकेस बीज लेकर शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और धूप बत्ती करें। इसके पश्चात शिवलिंग के पास बैठकर बीज अपने सामने रखें, अपना नाम व फिर गोत्र का उच्चारण करते हुए शिव से अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। इसके बाद और एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके बाद बीजों को एकत्र करके तांबे के ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें। दोस्तों ये सभी बाधाएं खत्म होगी और दुश्मन आपके पीछे आना बंद कर देंगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यश में आप इन उपायों को कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और साथ ही दोस्तों ऐसे ही जानकारी हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।